गाइज, मैंने कल के वीडियो में जिस तरह का बात बोली थी उसी तरह से आज भी ट्रेडिंग हुआ है आलोक इंडस्ट्री में। आप देख सकते हैं आज भी लोअर सर्किट में भी क्लोज हुआ है आलोक इंडस्ट्री। और गाइज, ये चार्ट आप देख सकते हैं आलोक इंडस्ट्री का, किस तरह से ये नीचे की ओर एक अच्छी सी मूवमेंट दे रही है, वो भी डाउनफॉल का, जो कि ये सभी लग रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही बदल चुका है आलोक इंडस्ट्री में। इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस और सपोर्ट है गाइज। इसमें जब तक ये रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होता है तब तक कोई नहीं बता सकता है कि आलोक इंडस्ट्री का कहाँ तक ऊपर जा सकता है और कितना नीचे आ सकता है। सब एक इसी तरह टारगेट दे रहा है, कोई बता रहा है 17, कोई बता रहा है 27, पर गाइज ये तो रिजल्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइज अभी इसमें ट्रेडिंग करने का सही समय नहीं है। गाइज 9:15 में मार्केट खोलने के बाद इसमें हाई लगा था 31 और फिर तुरंत लोअर सर्किट लग गया है आलोक इंडस्ट्री में। गाइज अब मनी कंट्रोल के साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ कहाँ है। तो गाइज इसका रेजिस्टेंस जो है वो है 36.37 पर, और इसका सपोर्ट मतलब आप कह सकते हो कि इसका सपोर्ट जो है वो 27.97 पर, मतलब 28 पर, वहाँ पर सपोर्ट ले सकता है अगर अपर सर्किट लगी मार्केट खुलते खुलते। तो गाइज यहाँ पर नहीं लगेगी, और अगर कल भी लोअर सर्किट लग गई तो सपोर्ट यहीं पर लगी और इसके अलावा कहीं नहीं जाएगी। और गाइज अभी इसका ट्रेडिंग करने का समय नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग जब होगा तो उस समय आपको पता चल जाएगा, और उस समय डेफिनेटली 4 to 3 rupees का आपको मार्जिन मिलेगी, यहाँ तक कि 5 का भी मिल सकता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।